डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट दो के प्राकृतिक संसाधनों का भाग दो शुरू करेंगे, जिसमें वन संसाधनों के बारे में या उसके विषय के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो कि हम पिछले भाग में अध्याय में पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में, उनकी परिभाषाएँ क्या हैं, हम किस वस्तु को प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। जस्ट रिकैप, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ जैव भौतिकी पर्यावरण के तत्वों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो हैं, आज हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है तभी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज तो वो सिर्फ प्रकृति का एक अवयव है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार भी हमने देख लिए थे, कितने प्रकार हैं। वन संसाधन हैं, जल संसाधन हैं, खनिज संसाधन हैं, खाद्य संसाधन हैं, ऊर्जा संसाधन हैं, भूमि संसाधन हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो है, आज हम जो है वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि वन संसाधन क्या होते हैं और हमें कैसे इनसे लाभ मिलता है। पहले हम देखें वन संसाधन जो है, वन क्षेत्र बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध करती हैं, उत्पन्न करते हैं, जिनका इस्तेमाल घरेलू कार्यों से लेकर औद्योगिक उत्पादन तक होता है। वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ, औषधियाँ, लाख, गोंद और विविध फल इत्यादि मिलते हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, जो कि हम अपने फर्नीचर्स में या जो लकड़ी से बने इमारती का दरवाजे जो हैं, हम उनमें इस्तेमाल करते हैं। वनों से हमें लकड़ी मिलती है जिसका इस्तेमाल कागज़ बनाने में या कागज़ उद्योग के में किया जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि वनों से उपज लेने की एक सीमा होती है। यदि अगर एक सीमा से ज़्यादा दोहन करते हैं और समय के सापेक्ष बहुत तेज़ी से हो, तो वनों का क्षय होने लग जाता है। अर्थात वनों को रेप्लिनिश करने से पहले, यानी कि उनको वापस उगने का समय देने से पहले अगर वन की कटाई कर लें या उसकी तीव्र गति से करें, तो वनों का क्षय या वनों का नाश होना शुरू हो जाता है और इनका जो दोहन है संपोषणीय नहीं रह जाता है, यह नवीकरणीय संसाधन भी नहीं रह जाते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो वनों के क्षेत्रफल में निरंतर गिरावट जारी है। क्या कारण है ये बात देखेंगे। और विश्व का वनों वाला क्षेत्र जो है, वर्ष 1990 से 2010 के बीच में देखें तो प्रति वर्ष 53 लाख हेक्टेयर की दर से घटा है। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र जो हैं 78.29 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% है। और हरियाणा में देखें तो जो हैं यह 1,75,879 हेक्टेयर्स हैं और इसका प्रतिशत देखें तो 3.53% है, जो कि राष्ट्रीय प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो बहुत कम है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ही जो है वन क्षेत्र इतना कम होने के कारण क्या है, यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर जंगल नहीं है और जंगल ना होने के कारण प्राकृतिक जंगल जो है कुछ ही स्थानों पर ही सीमित हैं। तो इसका जो है हम लोगों को ध्यान रखना है और जो है हरियाणा वासियों को ध्यान रखना होगा कि वो जो है पेड़ पौधे लगाएं, ताकि जो है वन क्षेत्र जो है वृक्ष क्षेत्र बढ़ जाए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की विश्व वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार विश्व में जो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है, जो कि 31% भूभाग पर ही वन है। और उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, जिसको कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, बहुत हमारे विश्व के क्लाइमेट को वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो है ठीक रखने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनका सर्वाधिक नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में हुआ है।
वन जो है हवा को शुद्ध करते हैं, सांस लेने योग्य वायु को बनाते हैं, और ये एक ऐसी प्राकृतिक सेवा है जो वन हमें मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। और इसका कृत्रिम विकल्प जो है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अगर हम इंडस्ट्रियल तरीके से करना चाहें तो संभव ही नहीं है। वनों के क्षय से जनजातियों और आदिवासियों का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और बाकी लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वर्तमान समय में देखें तो वनों से संबंधित कई शोध हुए हैं और वनों को बचाने हेतु कई उपाय और प्रबंधन के मॉडल भी सुझाए गए हैं और उनका उपयोग करके जो है वनों को बचाने की कोशिश जारी है। वनों के विनाश के कारण और समस्याएं देखें तो वनों के प्रमुख उपयोग और वन विनाश के कारण व समस्याएं हैं। पहला देखें तो घरेलू व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति और उससे उत्पन्न समस्याएं होती हैं। जैसे पहले लकड़ी की प्राप्ति के लिए वनों के पेड़ों की कटाई करते हैं तो जो है वन कटते हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो एक कारण है, और क्योंकि उसके बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूर्ति करने के लिए औद्योगिक और नगरीकरण में तीव्र वृद्धि होती है और लकड़ी की मांग में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वृक्षों की कटाई में भी जो है इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और जो है पीछे बताया था मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर कि जो है वन क्षेत्र उतनी तीव्र गति से द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि वन लगाने की जो प्रक्रिया है, उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, इसीलिए वनों का ह्रास या उनका नुकसान या उनका नाश हो रहा है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का प्रति वर्ष 20 मिलियन हेक्टेयर की दर से कटान हो रहा है। और ध्यान रखिएगा इसी बात से जो हैं हम विश्व भर में चिंता का कारण बन रहे हैं। इसके कारण जो है क्लाइमेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, पर्यावरण में बहुत अधिक तब्दीलियां आ रही हैं। विकासशील एवं अविकसित देशों में ग्रामीण जनता द्वारा नष्ट प्राय अवक्रमित वनों से पशुओं के लिए चारा व जलाने की लकड़ी का अधिक से अधिक संग्रह करने से बचा कुचा वन भी नष्ट होता चला जा रहा है। फिर देखें तो कृषि भूमि तैयार करना व स्थानांतरीय या झूमिंग कृषि, झूम एग्रीकल्चर जो है वो भी एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, वो भी एक प्रमुख कारण है। देखें तो विकासशील देशों में जो है मानव जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तो कृषि भूमि चाहिए कृषि भूमि को लगाने के लिए, या जनसंख्या की जो है मांगों को पूरा करने के लिए वनों के विस्तृत क्षेत्रों को साफ करके उस पर कृषि की जा रही है, ठीक है, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की जो है खाद्य समस्याएं, खाद्य अनाज की जो समस्याएं हैं वो पूरा ठीक तरीके से उनका उस कमी को दूर की जा सकती है या इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। एक और पद्धति जो है कृषि की वो यूज़ करते हैं जिसको हम झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। इसके अंदर जो है क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये बेसिकली जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पद्धति अपनाई जाती है जहाँ पर कृषि के लिए एक वन क्षेत्र को साफ किया जाता है, फिर उसमें कुछ साल तक कृषि की जाती है और फिर जो है उसको छोड़ दिया जाता है। पहले तो क्या होता था कि डिमांड इतनी नहीं थी तो जो है उसको लंबे समय तक छोड़ सकते थे, लेकिन अब जो है काटने की दर जो है तेज़ी से हो रही है, वापस लगाने की दर मैं वही कह रहा था आपको बड़ी धीमी है, तो इसीलिए इस झूमिंग कृषि से भी जो है वनों का नुकसान काफ़ी अधिक हो रहा है। इस कृषि पद्धति के अनुसार जैसे मैंने बताया पहाड़ी ढालों पर जो है वनों को जलाकर भूमि को साफ करते हैं और जब उस भूमि की कृषि की उत्पादकता जो है उपजाऊ शक्ति जो है कट जाती है तो उसे छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं, बहुत लंबे समय छोड़ते हैं और उसके बाद जो है पुनः उसमें पेड़ पौधे उगते हैं और उपजाऊ शक्ति वापस लौट जाती है, ठीक है। इतने जो है घूम फिर कर वापस स्थान स्थान पर जाकर जो है वापस अगले स्थानों पर एग्रीकल्चर की जाती है झूमिंग कृषि, और फिर वो कई सालों के बाद जो है उसी स्थान पर जैसे ही वापस आते हैं तो उपजाऊ शक्ति जो है वापस बरकरार हो जाती है। लेकिन मैंने बताया था आपको बहुत तेज़ी से कार्य होता है तो इसीलिए उसकी उपजाऊ शक्ति को वापस पुनः उसी स्थिति में आने में समय उसको मिलता ही नहीं है। फिर एक और कारण है अतिचारण जो है कि वनों
में पशुओं को चराने के लिए लोग लेकर जाते हैं, जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उनको लेकर जाना पड़ता है, तो उनकी वजह से भी जो है वनों का नाश हो रहा है। दुधारू पशु जो हैं झाड़ियां घासों और शाकीय पौधों को खा जाते हैं, साथ ही साथ वे अपने खुरों से भूमि को इतना रौंद देते हैं कि उगते हुए पौधों को भी नुकसान होता है, उनको भी हानि होती है, तो पौधों की प्रजातियाँ निरंतर जो हैं समाप्त हो रही है। तो जैव विविधता भी जो है ख़त्म होने का कारण एक ये भी है। ठीक है, झूमिंग पर कृषि है जो हम बातें कर रहे हैं, जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है इन चीज़ों से। वनों में लगने वाली अग्नि जो है प्राकृतिक कारणों से जैसे वायुमंडलीय बिजली या मानव जनित कारणों से जैसे जंगलों में लोग जाते हैं माचिस की तिल्ली या जलती हुई आग छोड़ जाते हैं तो उससे भी आग लग जाती है, या कोई और भी कारण बन सकते हैं मानव के कारण जो है मानव जनित कारणों के कारण भी कारणों से भी वनों में आग लग जाती है और वनों का तीव्र गति से और बहुत कम समय में विनाश होता है। कृषि भूमि में विस्तार के लिए झूमिंग कृषि के कारण के तहत कृषि कार्य के लिए घास की अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु भी ये कार्य होते हैं कि आग लगा दी और आग लगने के कारण जो है वो काबू नहीं आई तो पूरे जंगलों में आग लग जाती है। वनों में जब आग लगती है तो क्या है वनस्पतियों का नाश तो होता ही है, साथ ही साथ जो है वहाँ के जो जीव जंतुओं का नुकसान भी होता है, वो भी जो है जल के मर जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है भूमि जो है थोड़ी टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इसके फल परिणाम स्वरूप जो है वर्षा के जल जो है जमीन में अंतर संचरण बहुत कम होता है, जमीन में पर्कुलेशन जो है या जमीन के अंदर जो है वो बहुत कम मात्रा में जाता है, साथ ही साथ जमीन के ऊपर से बह कर जो है नदी नालों में पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान जो है मृदा का अपरदन बहुत तेज गति से होता है, जिसकी वजह से भी भूमि को नुकसान पहुँचता है। और आग लगने से जो है पत्तियों के ढेर नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ह्यूमस है और पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वनों का जो है वनों की भूमि में उपजाऊ शक्ति कम होती है। वनों में आग के कारण मिट्टी पौधों की जड़ों और पत्तियों के ढेरों में रहने वाले सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, उसका नुकसान भी काफ़ी होता है। ठीक है, अब बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका इन सूक्ष्म जीवों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, तो वो अगर वे पौधे नहीं होंगे, जैसे आपने चीड़ का नाम सुना होगा, चीड़ पौधों को जो है जर्मिनेट करने के लिए पौधों के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए उनका अंकुरण होने के लिए या उन पौधों को ग्रोथ करने के लिए फंगल्स के साथ जो है अटैचमेंट चाहिए, अगर फंगस मर गई तो वो अटैचमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखें तो वनों का चरागाहों में परिवर्तन होने, जैसे डेयरी फार्मिंग के लिए विस्तार है, विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चरागाहों में बदला जा रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय भी विस्तृत वन विनाश होता है, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जब बनती हैं और क्रियावन का उनका कार्यावरण वयन होता है तो बांधों के पीछे जो है बहुत विशाल जल भंडार झील बनती है, उस झील में जो है वो सैकड़ों मतलब कई किलोमीटर तक वो झील रहती है, तो सोचो कई किलोमीटर और काफ़ी गहरी रहती है, तो जब इतनी गहरी और इतनी विस्तृत क्षेत्र में फैलती है तो वहाँ के जो है वनों को भी वो निगल लेती है, यानी कि जलमग्न वन हो जाते हैं बहुत बड़ा, और इसके कारण जो है वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का जो है वन संपदा का समूल विनाश हो जाता है और उस क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। फिर देखें वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कारण तो देख ही लिए कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी में सबसे सफलतम प्राणी है और सबसे सशक्त प्राणी है और उत्पत्ति के समय से ही यह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत है और इसी प्रयास और अपने फायदे के लिए जो मनुष्य जो है दूसरे संसाधनों का नुकसान भी पहुंचाता है, तो सबसे अधिक नुकसान वन एवं वन संपदा को पहुंचाया है, जैसे इसने अपने खाने के लिए भोजन जुटाने के लिए रहने के लिए मकान के निर्माण हेतु दवा निर्माण के लिए कारखाने खोलने श्रृंगार वस्त्र निर्माण करना आवागमन हेतु मार्ग बनाने खेती के लिए जमीन जुटाने सिंचाई के लिए नहर बनाना विद्युत और आवागमन जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक वनों की कटाई करके इनको नष्ट करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए जो है हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है।
तो इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि वनों के पुराने एवं क्षतिग्रस्त ग्रस्त पौधों को काट कर नए पौधे लगा सकते हैं। नए जैसे वन काट रहे हैं तो हमें नए पौधे लगा देने चाहिए ताकि जो है नए वनों का निर्माण और सुचारू रूप से चलता रहे। आनुवांशिकी के आधार पर हम ऐसे वृक्षों को तैयार करें जिससे वन संपदा का उत्पादन थोड़ी तेजी से बढ़ सके। पहाड़ एवं परती जमीन पर वनों को लगाना, सुरक्षित वनों में पालतू जानवरों के प्रवेश पर रोक लगाना, वनों को आग से बचाना, जले वनों की खाली परती भूमि पर नए वन लगाना, रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी वन क्षेत्र वृक्षों को तैयार करना, वन में कवक नाशकों और कीटनाशकों का प्रयोग करना। कई बार क्या है कि इनके प्रयोगों से नुकसान भी होता है, तो अतः जो है सही तरीके से इनका प्रयोग करना चाहिए। वन कटाई पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। आम जनता में जागरूकता पैदा करना जिससे कि यह वनों के संरक्षण पर ध्यान दें। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के कार्य को जन आंदोलन का रूप देना, यानी कि लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने से ही जो है वन और वन्य जीवों का संरक्षण संभव है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना और शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे, चौराहों और व्यक्तिगत भूमि पर पादप रोपण की को प्रोत्साहित करना। वनों में वनों की स्थिति देखें तो वह संपूर्ण देश में जो हम जिक्र कर ही चुके हैं इस बात का कि 633.4 लाख हेक्टेयर वनों क्षेत्र को वन क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 19.27% वास्तविक वन क्षेत्र है, ठीक है। इसमें सघन वन जो है 11%, खुला वन 8%, अन्य वनस्पति क्षेत्र 0.15% होता है। पर्यावरण जिसमें मानव जीवन संभव है उसे बनाए रखने के लिए वनों का होना नितांत आवश्यक है। तो हमें जो है प्रकृति संतुलन बनाने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए 33% वन पृथ्वी के ऊपर होने चाहिए, जो कि अब बहुत कम हो रह चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये वनों का, वन संसाधनों के बारे में हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। तो धन्यवाद आप लोगों का। मैं हूँ आपका राजकुमार सर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो है जैसे व्यूअर्स बढ़ते हैं, जिस क्लास में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो वो व्यूअर्स जो हैं मोटिवेट करते हैं, वो संख्या मोटिवेट करती है, ठीक है, कि अच्छे लेक्चर्स बनाए जाएँ और बच्चों को पढ़ाया जाए। धन्यवाद।